डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्होंने जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो शुरू किए हैं, दिलशेर जी थे, डॉक्टर मुंगा जी हैं और दूसरे साहब हैं जितने जी बगे साहब ने जो ये शुरू किया है, ये बहुत अच्छा प्रयास है। कल्चर एकेडमी ने बहुत पहले यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल में पहला प्रोग्राम किया था बच्चों को लेके। आज मुझे अच्छे तरीके से याद आ रहा है कि पहला वो प्रोग्राम था, आज कितने बच्चे निकल चुके हैं और कितना अच्छा गाने वाले बच्चे हैं। और मैं यकीन नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी जम्मू के बड़े प्रोग्राम में बैठा हूँ या डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोग्राम में बैठा हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और कल्चरल एकेडमी हमेशा आपके साथ है, इन बच्चों के साथ है। और हमारा ऑफिस यहाँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस यहाँ खुला हुआ है, सुजीत गुप्ता जी हमारे यहाँ हैं, वो बड़े मेहनती अफसर हैं। मैं उनसे भी, अपने सेक्रेटरी साहब से भी मैं प्रार्थना करूँगा कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म दिया जाए। और कल्चर एकेडमी की हमेशा यही कोशिश रहती है
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नए कलाकारों को आगे लाएं, और हमने लाए भी हैं। आप सभी जानते हैं कि यहाँ जब हमारा ऑफिस नहीं खुला था तब भी रियासती कल्चर अकेडमी जो थी, डिवीजन ऑफिस हमारा जो जम्मू का था, उसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है हमारा कठुआ डिस्ट्रिक्ट की तरफ रहा है, और हमने बहुत अच्छे अच्छे कलाकार इस कठुए से हमें मिले हैं, पूरी रियासत को मिले हैं, जो नेशनल लेवल पे भी जाके और इंटरनेशनल लेवल पे भी वो जाके अपना काम कर रहे हैं। दिलशेर जी को मुझे याद है कि अभी ये छोटे ही थे, तो मैं यहाँ से जब इनको सेलेक्ट करके जम्मू लेके गया था, और इस आर्टिस्ट ने हमारा इतना नाम रोशन किया, आप इसको आप नेशनल लेवल पर भी सुन रहे हैं, और बहुत जल्दी आप इनको इंटरनेशनल लेवल पर भी सुनेंगे। हमारी यहाँ लड़की है बघेल की, वो विभा भारती, उस भारती ने हमारा कठुआ का बहुत नाम रोशन किया है, वो भाई साहब पंजाब भी रही। बड़े बड़े अच्छे अच्छे कलाकार कपिल थापा जी हैं यहाँ, और आज मराज साहब ने जैसे कहा है कि मैं भी डोगरी कलाकार होने के नाते सभी से यही प्रार्थना करूँगा, आप कोई भी भाषा गा लीजिए लेकिन आप डोगरी माँ बोली जो है उसको मत छोड़िए, डोगरी की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, कोई भी भाषा गाएं लेकिन महाबोली को मत बोलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम जो है ये यहाँ नहीं रुकने वाला, ये आगे के आगे ही बढ़ता जाएगा, और जैसे आपने देखा कि हमारे कटरा में जो बैंड कंपटीशन था वो भी इसी प्रोग्राम की तरह छोटा ही था, लेकिन आज इंटरनेशनल लेवल तक वो पहुँच गया। मैं माता रानी से प्रार्थना करूँगा कि ये जो आज की जो पहली शुरुआत हुई है ये बहुत आगे जाए, और कठुआ का नाम बहुत ज़्यादा रोशन हो। बहुत पहले तो मैं दो बातें कहूँगी कि माता रानी, तेरा जग साड़ा मान करे ना करे, तेरा जग साड़ा मान करे ना करे, मान तेरे दरबार विच होना चाहिए। आज हमारा ये पहला प्रयास था, तो जैसे कि हमें सुनना में मिला है और इतनी खुशी हो रही है कि सर ने भी बोला और सब इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, और ये दिलशेर जी, नरसोत्तम जी, डॉक्टर बग्गा जी और संजय सहगल जी, इन सब के सहयोग से हुआ, तो माता रानी की हमें प्रेरणा हुई, माता रानी के आशीर्वाद से हुआ। मैं बहुत खुश हूँ कि सर ने कहा है कि हम कठुआ के जितने भी कलाकार हैं इनको मौका देंगे। माता रानी ने हमें एक जरिया बनाया अपने चरणों में ये भेंट प्रतियोगिता कराने का, और मैं अपनी सारी टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ, मुबारक देती हूँ कठुआ वासियों को, कठुआ को, कि इस कठुआ के शहर में इस धरती पे माता का गुणगान हुआ है, और माता रानी कृपा करे आगे भी हम इससे भी बढ़ चढ़ कर सकें, और जितने हमारे जजेस आए हैं, जो भी हमारे साथ जिन्होंने सहयोग दिया, मैं मुझे सबके नाम नहीं मालूम, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, मीडिया पर्सन का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। माता रानी सबको तरक्की दे, सबको मौके दे, जो बच्चे फर्स्ट आए, सेकंड आए या जो भी पार्टिसिपेट किए सबको मुबारकबाद देती हूँ, माता का गुणगान उन्होंने किया। और एक बात हम माफ़ी चाहते हैं कि इस बार डोगरी का भजन नहीं हुआ, आगे से ऐसी गुस्ताखी नहीं आने। जय माता।